वेलकम टू आवर यूट्यूब अकाउंट गाइस। तो आज हम हमारा सेकंड वीडियो लेके आए। फर्स्ट वीडियो हमने लाया था, बेसिक ट्यूटोरियल लाया था लाइट मोशन का। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज हम फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो कैसे तैयार करते, फ़ोटो मूविंग कैसे करते हैं उसमें, वो हम सब सिखाएंगे आज। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, मतलब आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो टाइम पास नहीं करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे वीडियो हम। तो सबसे पहले हमें प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद में अगर प्रोजेक्ट का नाम आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, मैं रहने देता वही। उसके बाद में आपको पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद रिजोल्यूशन आपको सिलेक्ट करना है 1080x2340। ये रिजोल्यूशन सेट करना है फुल स्क्रीन स्टेटस के लिए। उसके बाद में होने के बाद हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाएंगे। अभी क्रिएट प्रोजेक्ट पे आने के बाद हमें अभी पहले इमेज ऐड करनी है, तो हम प्लस वाले आइकॉन पे जाएंगे, इमेज एंड वीडियो, और जो इमेज हमको ऐड करनी है हम वो ऐड कर लेंगे। अभी इस इमेज को अपने को सेट करना है पूरे स्क्रीन पे। तो क्या करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसको साइज जो है हमने बढ़ा लेनी है यहाँ से, ओके। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से मैं वहाँ पर मूव कर लेता हूँ उससे अच्छी तरह, ओके। सो फिर से अभी अपना हो गया सेट। तो अभी आपको ऑडियो ऐड करना है, तो प्लस वाले आइकॉन पे जाएंगे, ऑडियो ऐड करेंगे, व्यू ऑल, जहाँ पे भी अपना ऑडियो हो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हैं लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता, कॉपीराइट इशू नहीं आना चाहिए इसलिए। तो फिर ये देखो अभी ये 29 सेकंड का है, ओके। तो अभी अपने को फ़ोटो भी 29 सेकंड तक लाना है, तो फ़ोटो पर क्लिक करें, वहाँ पर लास्ट तक लेके जाए, और ये जो आइकॉन दिख रहा है वो आप क्लिक करें। ये देखो अपना फ़ोटो पूरा का पूरा लास्ट तक आ चुका है, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि इसको मूव कैसे करना है फ़ोटो को। तो सिंपल है, फ़ोटो पे क्लिक करें, मूव एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पे जाए। ये देखो ये प्लस वाला आइकॉन दिख रहा, सबसे पहले प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करें, फिर थोड़े आगे जाए, थोड़े आगे जाने के बाद फिर से प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करें, और जो इमेज है उसको थोड़ा मूव करे यहाँ पे साइड पे, ये देखो, ओके ओके। इतना करने के बाद फिर से थोड़ा आगे जाए, प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करें, फिर से थोड़ा मूवमेंट दे यहाँ पे, ओके। फिर से थोड़ा आगे जाए, फिर से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करें, फिर से थोड़ा मूवमेंट दे दे, ओके। ये मूवमेंट देने के बाद अभी मैं आगे भी कर लेता, प्लस वाला आइकॉन पर किया, यहाँ पर मूवमेंट दिया, फिर से प्लस वाला आइकॉन किया, यहाँ पे फिर से मूवमेंट दे दिया। और अभी आपको इतना मूवमेंट देने के बाद अगर आपको जूम और जूम इन और जूम इन जूम आउट करना होगा इमेज, तो क्या करें, अभी ये अपना हो गया मुंह का, फिर थर्ड ऑप्शन अपना जूम और जूम आउट का है। तो यहाँ पे यहाँ से अगर आपको जूम और जूम आउट देना होगा तो इससे यहाँ पर आए, प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करें, और अभी हम लास्ट तक ले लेंगे यहाँ पर, सॉरी वो गलती से हो गए, ओके। अभी लास्ट तक ले लेंगे और यहाँ से हम उसको जूम कर लेंगे, ये देखो अपने को जितना चाहिए उतना हम जूम कर लेंगे, ओके। अभी अपना ये हो गया, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे, अभी इफेक्ट अपना लग चुका है, ये देखो मूवमेंट्स हो रहे हो। और लास्ट में हमने जो जूम आउट का जूम इन का जो ऑप्शन लगाया वो देखो, वो भी देखते हैं, ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी ये अपना स्टेटस रेडी हो गया, फुल स्क्रीन स्टेटस। और यहाँ पे अभी अगर आपका कोई लोगो हो तो आप लोगो लगा सकते हैं। अभी मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज का लोगो लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, ये जैसे अपने को सेटिंग करनी है मैंने आपको बताया ट्यूटोरियल वीडियो में, आप वैसे सेटिंग करके यहाँ पे रख सकते हो। और फिर से अभी इसको भी लास्ट तक करना है, तो उसको सिलेक्ट करते लास्ट तक करके हमको ये फिर से प्रेस करना है, ये हो गया लास्ट तक। अभी अपना स्टेटस एकदम रेडी हो गया है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से फुल स्क्रीन स्टेटस रेडी है। तो अभी शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सेव करने के लिए, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, सेम मैंने जो बताया था एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में एक्सपोर्ट पर क्लिक करके ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट हो रहा, उसके बाद में हम सेव टू गैलरी कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है भाई लोग फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो तैयार करना। अगले वीडियो में हम थोड़ा लेरिकल स्टेटस तैयार
करना सिखाएंगे, या फुल स्क्रीन स्टेटस में ही 2 से 3 फ़ोटो लेकर हम स्टेटस वीडियो तैयार करना सिखाएंगे। ओके, तो आज के लिए गुड बाय दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।